कभी कभी बदलते मौसम का बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है और हम अगर खुद का खान पान बिगाड़ ले तो हमें कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में उन्हीं में से एक समस्या है दस्त की। जी हाँ, आपको बता दें, ऐसे में आप अपनों के साथ कम टॉयलेट में ज्यादा समय बिताते हैं। इस दौरान अगर आप तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। जी हाँ, बात करते हैं दालचीनी की। तो दालचीनी ना केवल एक मसाला है बल्कि एक औषधि भी है। ये कई तरह की रोगों को जड़ से दूर करता है। दालचीनी में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो लूज बाउल मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है और ये आंतों के स्तर में जलन पैदा नहीं करता। दस्त को दूर करने के लिए आप लगभग 5 ग्राम दालचीनी के साथ 1 कप पानी को बर्तन में डालकर उबाल लें। उसके बाद इसे ठंडा होने दें और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। तो वहीं पुदीना एक पाचन टॉनिक होता है जो कई पेट रोग के लक्षणों को रोक सकता है। ये दस्त को रोकने के अलावा बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। इसके गुड़ पेट की पीएच को संतुलन में रखने में मदद करते हैं। भोजन संबंधी समस्याओं को भी काफी हद तक दूर करते हैं। तो वहीं पुदीने की चाय बनाने के लिए आप 1 कप पानी लें, उसमें लगभग 15 ग्राम पुदीने की पत्तियां डालें और इसे गर्म कर लें। गर्म होने के बाद कुछ मिनट तक इसे ठंडा होने दें और इसे छान लें तथा उसमें 25 ग्राम शहद डालें। दस्त को रोकने के लिए आप इसे दिन में लगभग 3 बार पी सकते हैं। किरण हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट।